अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टूडेंट गाइडर में। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा, साथ ही मैं यहाँ पर आपको न्यू मॉडल पेपर दिखाऊंगा, आपका पेपर पैटर्न वगैरह क्या है, पास मार्क्स क्या है, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, आफ्टर 30% सिलेबस रिडक्शन जो है, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ छोड़ना है, ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। उसके लिए आपको ये वाला वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन करके रखें, ताकि आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक पहुंच पाएगा, आप उसको इजीली देख सकोगे, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स को मिस होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, वो मैं वही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले मॉडल पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर 90 मार्क्स थ्योरी और जो बाकी 10 मार्क्स बचे हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो किस यूनिट में से आपको प्रोजेक्ट वर्क है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले लॉन्ग आंसर 5 मार्क होंगे ईच क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट। तो ये जो यहाँ पर मॉडल पेपर पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अबाउट 20% जो है मॉडल पेपर से ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 को आर होगा, इसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आर, 4 को भी आर, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद पार्ट सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के। तो यहाँ पर ये मॉडल पेपर दिया हो, इसी पैटर्न पर जो है आपका पेपर पैटर्न आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद 6 आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के। तो यहाँ पर पार्ट थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ऐसे यहाँ पर 26 तक। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे 1 मार्क ईच, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 यहाँ पर क्वेश्चंस तक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ये आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ गूगल पर आप सर्च करना www.jkstudentsguider.in, वहाँ पर आपको जो है मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, इस हिसाब से जो है आपका पेपर पैटर्न डिज़ाइन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर जो है पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगा, आपको क्या कुछ पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या कुछ छोड़ना है, आफ्टर 30% सिलेबस रिडक्शन। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा यूनिट छोड़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, आफ्टर 30% सिलेबस रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है ताकि आपको आसानी हो जाए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में, और यहाँ पर जो है आप बराबर 100% मार्क्स ले आओगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला यूनिट है इस हिसाब से, तो यहाँ पर जो मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए 63 मार्क्स, क्योंकि आपको 63 करने आपको 90 मार्क्स मिल जाएंगे, आप जो है इजीली 100% मार्क्स ले आओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है बहुत ही कम चैप्टर्स चूज़ किए आपके लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मैंने चूज़ किया है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो है ये 13 मार्क्स का है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सेकेंड यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये 20 मार्क्स का, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए है जो मैंने आपको अभी बताया, ये 10 मार्क्स, ये आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर इसको आपको छोड़ना है, ये खाली आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए। उसके बाद जो है थर्ड मैंने चूज़ किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 10 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर जो है फोर्थ मैंने चूज़ किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, 10 मार्क्स का ये यूनिट है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर जो है फिफ्थ मैंने चूज़ किया है डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, 10 मार्क्स का ये भी यूनिट है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि जो यूनिट्स मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है वो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर जो है आफ्टर 30% सिलेबस रिडक्शन वीडियो बनाया था, मतलब कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा यूनिट छोड़ना है, ताकि यहाँ पर जो है आप 63 मार्क्स कर पाओगे, आप जो है 90 मार्क्स ले पाओगे ईजिली, तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने ये वीडियो बनाया। तो अब मैं यहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर हैंड वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जिनको मैंने हैंड लगाया है, ये भी क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पर जो है
आप टेंशन में रहते हो ये क्या है, ये कुछ पार्ट्स वगैरह तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनकी पीडीएफ फाइल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप मॉडल पेपर की और यहाँ पर जो इस गेस्ट पेपर की पीडीएफ हासिल कर सकते हो। यहाँ पर गूगल पर सर्च करना www.jkstudentsguider.in, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से जो है ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, या वीडियो को रोककर किसी नोटबुक पर इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है प्रिपेयर करना, क्योंकि पाई डायग्राम जो है आती रहती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स, ऐसे वेजेस आर एस 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 5, 3, 2, 5, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखनी होगी और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। तो अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में पता चले, ताकि वो भी इजीली जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। अब इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।